हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का जो मेरा सुपर ट्रेंड जो जैकपॉट ट्रेंड है उसको मैं कैसे यूज करता हूं और कैसा वो प्रॉफिट देता है, कैसा वो एसएल हिट होता है, कैसा उसका टारगेट आता है। तो देखिए, ये मेरा जैकपॉट ट्रेंड है। यह मेरा सेल दिया कितना बजे, 10:20 पर। देखिए ये निफ्टी का इंडेक्स है। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो मूविंग एवरेज है उसे एक कैंडल रिजेक्शन करना चाहिए। जैसे देखिए नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन किया, उसके नीचे हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है। देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया है और उसके बाद इसको तोड़ने के बाद हम लोग को यहाँ एंट्री करना है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ एंट्री किया और इसका एसएल रहेगा ये वाला, उसका नीचे जहाँ वो सेल दिया हुआ है उसका थोड़ा ऊपर, ये देखिए हो गया। उसके बाद हम लोग का क्या किया, यहाँ नीचे 17,927 है, उसके नीचे जैसे ही गया हम लोग का सेल हो गया। उसके बाद एक क्या क्या ये यहाँ एसएल हिट हो गया क्योंकि यह मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ फिर से एक बाय दे दिया। देखिए ये कैंडल ने कितना बज के, 11:20 पे। तो पहला हम लोग का तो एसएल हिट हो गया। उसके बाद सेकंड ट्रेड हम लोग को मिला, ये कहाँ मिला, 11:20 पे। उसके बाद क्या करना है, जो भी कैंडल रिजेक्शन करके इस मूविंग एवरेज को टच करना चाहिए। देखिए यहाँ इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को टच किया 12:10 पर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है। खींच लिया और जहाँ ये बाय दिया था वहीं पे ये थोड़ा सा नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये नीचे वाला का लाइन जो खींचा है वो एसएल के लिए है और एंट्री के लिए ये इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग को यहाँ एंट्री लेना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा पॉइंट कितना छोटा सा, 17,966 के ऊपर जाएगा तो मेरे को बाय करना है और एसएल रहेगा ये 17,945। कितना रुपये का है, बस 20 से 30 रुपये का है। तो उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया तो देखिए मार्केट बूम। जब तक ये इंडिकेट नहीं करेगा, ये लाइन नहीं आएगा, तब तक हम लोग को वहीं पे एंट्री करना है। तो देखिए इसके लिए बोलता हूँ कि ये मेरा जैकपॉट ट्रेंड है, जबरदस्त वर्क करता है। एसएल तो हिट होगा क्योंकि एसएल ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो देखिए आज मैंने आप लोग को बता दिया कि निफ्टी में कैसे एंट्री करना है और कैसे इसको फॉलो करना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, आप लोग को यहाँ एंट्री किया और एसएल के लिए वेट किया या तो फिर टारगेट, टारगेट ये जो लाइन आएगा ये खुद ऑटोमेटिक ये आ जाता है, इसमें ऐसा एक फंक्शन क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ये सेल दे दिया है कितना बजे, ये 10:35 पे। और उसके बाद ये देखिए जो ये हम लोग का मूविंग एवरेज है इसको कौन सा कैंडल ने टच किया, रिजेक्शन किया। तो देखिए ये वाला रिजेक्शन किया। उसके बाद हम लोग को यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है। तो खींच लिया यहाँ नीचे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो खींच लिया लेकिन इसने इसको तोड़ नहीं पाया। उसके बाद देखिए यहाँ एक ठो कैंडल दिया बाय का सिग्नल। देखिए दोस्तों यहाँ एक ठो कैंडल बाय दिया है। उसके बाद आप लोग को वेट करना है कि ये जो मूविंग एवरेज है इस मूविंग एवरेज को कौन सा कैंडल ने रिजेक्शन किया। तो ये वाला कैंडल ने रिजेक्शन किया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देना है। ये मार्क हो गया और उसके बाद ये जहां हम लोग का बाय दिया था वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच लेना है। तो यहाँ थोड़ा नीचे, तो देखिए यहाँ मैंने इसको कर दिया क्योंकि ये नीचे वाला एसएल बनेगा। तो देखिए कहाँ ये एग्जीक्यूट किया, कहाँ इसको मैंने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया 12:30 पे। और उसके बाद आप लोग का यहाँ एक्टिव हो गया 38,604 और नीचे एसएल हो गया आप लोग का 38,575। ये रहा एसएल, ये रहा एंट्री 38,600 के ऊपर। और उसके बाद देखो मार्केट बूम कहाँ तो गया 38,781 तक। तो फ्रेंड ये मेरा जो जैकपॉट ट्रेंड है ये बहुत
अच्छा तरीके से वर्क करता है, और SL तो होगा लेकिन SL बहुत ही कम होगा। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 2 या 3 ट्रेड SL होगा, लेकिन जो ट्रेड चलेगा वो पूरा धमाल मचा के छोड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही है जैकपॉट ट्रेड। और आप लोग को ये सेटिंग कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये जो सेटिंग है जैकपॉट ट्रेड का, ये आप लोग को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और यहाँ ये ऑटोमेटिक टारगेट दे देता है कि आप लोग यहाँ से निकलो, एग्जिट हो जाओ बोल के। तो देखिए कैसा इजी है, सिंपल है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही भयंकर वर्क करता है, क्रूड ऑयल में भी वर्क करता है। क्रूड ऑयल का भी मैं एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए मैं छोटा सा ये दिखा रहा हूँ, टोटल मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊंगा। देखिए ये रहा 12 नवंबर का, 18:25 पर इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया, और हम लोग का यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें खींच लेना है, क्योंकि इसने रिजेक्शन किया है। देखिए यहाँ रिजेक्शन किया और SL ये नीचे वाला रहेगा। देखिए 5985 से 5961 का SL जितना भी होगा उसके ऊपर गया, थोड़ा प्रॉफिट दिया, लेकिन फिर आके यहाँ पर SL हिट हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेल सिग्नल दिया। सेल सिग्नल देने के बाद देखिए इस कैंडल ने, ये बड़ा वाला कैंडल ने रिजेक्शन किया। फिर हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते तो इसको तो अगर तोड़ता नीचे जाता तो हम लोग को यहाँ सेल करना था क्रूड ऑयल, लेकिन हम लोग को हुआ नहीं। तो उसके बाद देखो बाय सिग्नल जनरेट किया, बाय सिग्नल जनरेट हुआ उसके बाद देखिए 19:50 पर, और यहाँ इस कैंडल ने रिजेक्शन किया। तो हम लोग को क्या करना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना है। उसके देखिए इस कैंडल ने एग्जीक्यूट किया, उसके ऊपर ब्रेकअप किया और मार्केट चला गया, और इसका यहाँ नीचे SL लगा देते हैं 5995 का SL, और एंट्री रहता 6018 के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ से एंट्री किया और देखिए मार्केट कहाँ तक गया, 6071 तक चला गया। कितना पर दे दिया, इसलिए बोलता हूँ मेरे दोस्त ये जैकपॉट ट्रेंड है, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना बनाया हुआ इंडिकेटर है, और लॉस तो होगा, SL तो होगा, ऐसा नहीं कि SL नहीं होता, SL होगा, लेकिन इसका जो जैकपॉट ट्रेंड, इसीलिए इसका नाम दिया है, क्योंकि जब भी इसका चलेगा ना तो ये धमाल मचा देगा, और SL तो हिट होगा। तो दोस्तों अगर किसी को भी अगर इस इंडिकेटर के बारे में जानना है या पूछना है तो प्लीज़ मेरे को, मेरे ये जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और हाँ मेरा फ्री चैनल भी, टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, और मैं वहाँ डेली का डेली मैं अपडेट देता हूँ। और क्योंकि मैं ये खुद इंट्राडे ट्रेडर हूँ फ्रेंड्स, मैं ये खुद ही एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, इसीलिए मैं अभी इसको ही यूज कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है, बहुत प्रॉफिट दे रहा है, और बहुत मजा भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग को पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ मेरा SL है, कहाँ मेरा टारगेट है, कहाँ मेरा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, पर एक्यूरेट ये पहले से ही आप लोग को बता देगा। SL तो होगा लेकिन बहुत छोटा सा SL होगा, लेकिन टारगेट जो होगा ना बूम बूम बूम, इसीलिए इसका नाम दिया है जैकपॉट ट्रेंड। तो दोस्तों किसी को अगर चाहिए या कुछ इसके बारे में डिस्कस करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और मेरा फ्री टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी ये नया नया ओपन किया हुआ है तो मेरा सब्सक्राइबर भी बहुत ही कम है। तो आप लोग को क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाना है, क्वालिटी के ऊपर जाना है। तो मेरा इंडिकेटर को एक बार देखिए और ये कैसे वर्क कर रहा है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।